नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से माई स्मार्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 के आज परिणाम जारी हो रहे हैं और सुबह सुबह रुझान आने शुरू हो चुके हैं। किस पार्टी को देश की सत्ता नसीब होगी, यह आंकड़े जारी होने शुरू हो चुके हैं। सभी आंकड़ों को आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कौन पार्टी आगे चल रही है, किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं, आज तय हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सभी चुनाव परिणाम 2019 के रुझान आने शुरू हो चुके हैं और एक एक करके सभी राज्य के हम आपको रुझान बताने शुरू कर देंगे। आज 23 मई को तय हो जाएगा कि देश की सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी। जाने किस सीट पर कौन चल रहा है आगे और कौन चल रहा है पीछे, सभी सीट का गणित इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सभी सीटों की एक बार बात करेंगे। इस देश की सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी, एक एक करके सभी रुझान आपके सामने आने शुरू होने वाले हैं। सभी 543 सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं किन किन सीटों पर कौन कहां से भारी चल रहा है, सभी आंकड़े आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाइव अपडेट अगर आप चुनाव की देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब बात करते हैं किस सीट पर कौन आगे चल रहा है, कौन कहां से आगे चल रहा है। तो यहां पर बात करें सबसे पहले यहां पर राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी के खाते में 20 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस को यहां पर 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, बीजेपी यहां पर 20 सीटों से आगे चल रही है, बीजेपी को यहां पर 20 सीटें यहां पर मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे राज्य की, तो यहां पर बिहार की 40 सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। यहां पर एनडीए को 28 सीटें जबकि यहां पर यूपीए को 12 सीटें दी जा रही हैं। तो यहां पर एनडीए को 28 सीटों से आगे चल रही है, यहां पर 28 सीटों के साथ एनडीए बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, जबकि यहां पर यूपीए को भारी नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं और राज्यों की, तो यहां पर बात करें मध्य प्रदेश की कुल लोकसभा की 29 सीटों की। यहां पर 29 सीटों पर जो रुझान जारी किए गए हैं वो यहां पर बीजेपी को 23 सीटें जबकि यहां पर कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही हैं। यहां पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, यहां पर बीजेपी के खाते में 23 सीटें जा रही हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। और यहां पर बात करें यहां पर हम केरल की, तो केरल की 20 लोकसभा सीटों पर यहां पर बीजेपी को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट के खाते में यहां पर 4 सीटें मिलने जा रही हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस को बंपर फायदा होते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस को यहां पर 8 सीटें मिल रही हैं, जबकि यहां पर अन्य के खाते में यहां पर 7 सीटें जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कांग्रेस और अन्य के खाते में सबसे ज्यादा सीटें जा रही हैं, यहां पर कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे और राज्यों की, तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कुल लोकसभा की 80 सीटों पर यहां पर बीजेपी को 41 सीटें मिल रही हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में यहां पर सपा बसपा और आरएलडी के खाते में यहां पर 35 सीटें जा रही हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें जा रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में फायदा होते हुए नजर आ रहा है और दूसरे नंबर पर यहां पर 35 सीटों के साथ महागठबंधन आगे निकलते हुए आ जा रहा है। तो यहां पर बीजेपी को आप देख सकते हैं साफ फायदा यहां पर बीजेपी को हो रहा है, जबकि महागठबंधन यहां पर दूसरी बड़ी पार्टी उभर के आ रही है 35 सीटों के साथ। अब बात करते हैं यहां पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो यहां पर बीजेपी का गढ़ है, यहां पर 23 सीटें बीजेपी को जा रही हैं कुल लोकसभा की 26 सीटों में से, जबकि यहां पर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर आगे चल रही है, यहां पर 3 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। और अब बात कर लेते हैं यहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी उभर के आ रही है गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर। अब बात कर लेते हैं यहां पर और राज्यों की, तो यहां पर बात करें उड़ीसा की 21 सीटों पर यहां पर बीजेपी को 5 सीटें और जबकि यहां पर बीजेडी को यहां पर 15 सीटें जा रही हैं, जबकि यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बीजेपी को फायदा होते हुए नजर आ रहा है, बीजेडी के खाते में यहां पर 15 सीटें जा रही हैं। तो यहां पर बीजेडी बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, बीजेडी को सबसे ज्यादा सीटें यहां पर मिल रही हैं। तो आप बात कर लेते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की, तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जो रुझान है वो यहां पर बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बात करें यहां पर कांग्रेस की तो कांग्रेस को यहां पर 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर यहां पर कांग्रेस को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे राज्य की, तो यहां पर बात करें उत्तर पूर्व की कुल लोकसभा की 11 सीटों की, तो यहां पर एनडीए को 7 सीटें जबकि यहां पर यूपीए के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, जबकि लेफ्ट को यहां पर सिर्फ 1 सीट मिल रही है। तो यहां पर एनडीए बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, एनडीए को यहां पर 7 सीटों से फायदा होते हुए नजर आ रहा है, एनडीए को यहां पर बंपर फायदा, जबकि यूपीए को यहां नुकसान हो
सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर बात करें असम की 14 सीटों की, तो असम की कुल लोकसभा की 14 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें जा रही हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि AIUDF को यहाँ पर 2 सीटें जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को बंपर फायदा होते हुए नजर आ रहा है, बीजेपी यहाँ पर 8 सीटों के साथ आगे चल रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर पंजाब की 13 सीटों की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट जा रही है, जबकि अकाली दल को यहाँ पर 3 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 9 सीट, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस को 9 सीटों के साथ यहाँ पर कांग्रेस बड़ी पार्टी उभर के आ रही है पंजाब की कुल लोकसभा की 13 सीटों पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश की कुल लोकसभा की 25 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर 20 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को फायदा होते हुए नजर आ रहा है आंध्र प्रदेश की कुल लोकसभा की 25 सीटों पर। अब बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों पर, यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी को फायदा होते हुए नजर आ रहा है, बीजेपी 9 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की 28 सीटों पर बीजेपी को 14 सीटें जा रही हैं, जबकि JDS को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, बीजेपी जिसमें आगे निकलती जा रही है, यहाँ पर बीजेपी को 14 सीटें जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 12 सीटें जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 सीटों पर TRS को 14 सीटें जा रही हैं, जबकि यहाँ पर AIMIM को 1 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर TRS को फायदा होते हुए नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर बात करें हम दिल्ली की 7 सीटों की, तो यहाँ पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है, यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है 7 सीटों के साथ, तो यहाँ पर बीजेपी को बंपर फायदा होते हुए नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। जबकि बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, जबकि NC को भी 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जा रही है, जबकि यहाँ पर PDP को यहाँ पर 1 सीट जा रही है। यहाँ पर बीजेपी और NC के बीच कांटे की टक्कर है, यहाँ पर दोनों 2-2 सीटें लेकर जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है, बीजेपी 8 सीटों पर चल रही है यहाँ पर, जबकि TMC के खाते में यहाँ पर 32 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर TMC बड़ी पार्टी उभर के आ रही है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ यहाँ पर 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, जबकि लेफ्ट के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। यहाँ पर TMC 32 सीटों के साथ बड़ी पार्टी उभर के आ रही है पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की 48 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी प्लस शिवसेना का गठबंधन है, यहाँ पर 22 प्लस 10 दोनों को सीटें मिल रही हैं, यहाँ पर टोटल मिलाकर 32 सीटें दोनों के खाते में जा रही हैं, जबकि कांग्रेस प्लस NCP के खाते में यहाँ पर 9-7-16 सीटें जा रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस और NCP बड़ी पार्टी उभर के नहीं आ रही है, यहाँ पर बीजेपी शिवसेना को फायदा होते हुए नजर आ रहा है महाराष्ट्र की कुल लोकसभा की 48 सीटों पर। बात करें यहाँ पर दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर चारों की चारों सीटों यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और यहाँ पर बीजेपी चारों की चारों सीटें लेती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है, कांग्रेस यहाँ पर 0 सीटें लेती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और राज्यों की, तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपसे गोवा की, तो गोवा की 2 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी 2 सीटें लेती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस का भी खाता नहीं खुल रहा है, कांग्रेस को यहाँ पर भारी नुकसान हो सकता है, यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों के साथ आगे चल रही है। जबकि बात करें यहाँ पर बीजेपी की उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने जा रही है। और सर्वे के आंकड़े क्या कह रहे थे, सर्वे के आंकड़े बता रहे थे कुल लोकसभा की 543 सीटों में यहाँ पर NDA को 270 सीटें मिल रही हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर UPA को 140 सीटें, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 133 सीटें जा रही थी। तो यहाँ पर NDA बड़ी पार्टी उभर के आ रही थी एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये सर्वे के आंकड़े आपको दिखाए हमने, यहाँ पर NDA को 270 सीटें यहाँ पर मिल रही थी।
अगर यहाँ पर यूपीए को यहाँ पर 140 सीटें मिलती है तो यूपीए एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर 132 सीटों के साथ यहाँ पर जो है अपनी सरकार बना सकती है। यहाँ पर 132 सीटों से बहुमत से दूर है यूपीए। अगर 132 सीटें अगर अन्य से मिल जाती हैं तो वो सरकार बना लेगी। और बात करें यहाँ पर एनडीए की, तो एनडीए को एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर 270 सीटें मिल रही थी, यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों से बहुमत से दूर है। अगर एनडीए को 2 सीटें यहाँ से मिल जाती हैं तो एग्जिट पोल के मुताबिक यहाँ पर एनडीए की सरकार फिर से बन सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर और पार्टी की, तो यहाँ पर बात करें यहाँ पर जो है अन्य के खाते में 133 सीटें जा रही थी, यहाँ पर अन्य जो है 139 सीटों से बहुमत से दूर है। अगर अन्य यहां पर जो है आपका कांग्रेस के साथ मिल जाती है तो शायद सरकार बन सकती है, पर आप देख सकते हैं यहां पर अन्य 139 सीटों से बहुमत से दूर है। तो अब पल पल की अपडेट पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपको यह वीडियो कैसा लगा जल्दी कमेंट में बताएं।